लें जी बच्चों, वन क्वेश्चन सारे का सारा इंशाल्लाह आईएएस 40 रिवाइज। वसीम रिव्यू लिमिटेड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग फॉर रीसेल, फॉर लीजिंग एंड फॉर प्राइवेट यूज़। हमारा काम क्या है, हमने रेलेवेंट नोट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। पहली आ गई पर प्रॉपर्टी पेशावर में रेंटल पर्पसेस के लिए और फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं। परचेज कॉस्ट, इनवाइस वैल्यू, लीगल फीस ले लेंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ले लेंगे, गवर्नमेंट टैक्सेस ले लेंगे, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, चलो ये भी ले लेते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस ये भी ले लेते हैं। कहता है ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी अचीव द प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते एज पर आई एस 16, एज पर आई एस 40 कॉस्ट डिटर्मिनेशन में ये नहीं आते। कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओपनिंग सेरेमनी, ये भी क्या कर दिया जाए, गेट आउट। स्पेशल रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टेनेंट रिक्वायरमेंट, 1,00,000 रुपया अन्यवाही ऐड कर दें, अन्यवाही ऐड करना। आगे देखना है कि जनाब ये जो स्पेशल रिपेयर है इससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना है या नहीं होना। अगर तो इसकी वजह से जो टेनेंट की रिक्वायरमेंट है ये हमने पूरी की है, इसकी वजह से मेरी रेंटल इनकम बढ़ रही है, मींस मैं 2,000 रुपये भी इजाफी चार्ज करूंगा, इट मींस मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा। ऑन अदर हैंड अगर इससे कोई रेंट वगैरह बढ़ा नहीं है तो फिर ये एक्सपेंसेस में जाएगी। आगे देखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 2021 पर 13 मिलियन। डन। ड्यू टू स्पेशल रिपेयर नो एडिशनल रेंट वुड बी चार्ज्ड। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गेट आउट हो गया। पहली चीज सबको जमा कर देंगे, 10, 5, 3 ये 11 हो गए, 11,460 हो गई, ये वैल्यू हो गई। अच्छा मेरा मॉडल कौन सा है ये देखना है, फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एंड द कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फेयर वैल्यू मॉडल है, किसी भी ईयर एंड पर फिर मेरी क्या होगी, एसेट फेयर वैल्यू पर मौजूद होगी, मींस मेरा क्लोजिंग क्या होगा इसका, फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू। मेरे पास ये प्रॉपर्टी आई 11,460 की, क्लोजिंग मेरा होगा 13 मिलियन का, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा फेयर वैल्यू गेन या लॉस। सीधा सीधा सा मैं सीधा सारा का सारा क्या काम कर दूंगा, नोट के अंदर ही हो जाएगा मेरे, नोट के अंदर ही मैं क्या करूंगा, पहली प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर 11,460 आया, क्लोजिंग मेरा 13,000 आया, जो डिफरेंस है वो मेरा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में आ गया, प्लस या माइनस, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस, कहानी खत्म। डिफरेंस लेंगे और आपका यहीं पे एंड। अगली चीज, पहली बिल्डिंग गई चीचू की मलिया में गई है दूसरी बिल्डिंग, हाँ ये बड़ी अच्छी सी जगह है, बड़ी ज़बरदस्त जगह चीचू की मलियाँ। अच्छा कॉस्ट कितनी है जी, 1 मिलियन। हैड बीन ऑन द मार्केट फॉर 2 ईयर्स एंड वाज स्टिल नॉट सोल्ड, मीन्स IS-2 के तहत चल रही थी। ऑन 1st मार्च किस RL बुक टुक इट ऑफ द मार्केट एंड लीज्ड रेंटेड आउट इन इट्स स्टेड, इट वाज लीज्ड ऑन 1st मार्च 2021, इट्स फेयर वैल्यू वाज 1.6 मिलियन ऑन 31 दिसंबर एंड 1.2 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2020। पिछले साल के एंड पर कितने पे थी, 12 लाख पर। 1st मार्च 2021 की डेट की दी नहीं है फेयर वैल्यू, नहीं ना दी, तो फिर कौन सी होगी। अगर 31 दिसंबर 2020 पर वैल्यू कितनी है, 12 लाख है, क्या है, 12 लाख है, तो जनाब एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, इसकी एंट्री हो जाएगी चूंकि इन्वेस्टमेंट ये 1 मिलियन पर है, बनाई कितने पे थी, 1 मिलियन, और इन्वेंट्री किस पर चलती है, कॉस्ट के ऊपर,
तो ये 1 मिलियन पर मौजूद होगी, मैं ट्रांसफ़र करूंगा, पहली एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन से, फौरी तौर पर एक एंट्री पास करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 0.2 मिलियन, ताकि हम किस पर पहुंच जाएं, फेयर वैल्यू पर पहुंच जाएं 31 दिसंबर की, यही वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं ना 1 मार्च की, और फिर हम एक और एंट्री पास कर देंगे, हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे 1.6 मिलियन पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 0.4, 4 मिलियन मजीद बढ़ा देंगे अगर हमसे जनरल एंट्री पूछ लेगा, और अगर हमसे नोट पूछ रहा है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। ट्रांसफ़र कितने पे हो रही है, 1 मिलियन पर, ट्रांसफ़र होके 1 मिलियन पर ले आएंगे ट्रांसफ़र इन, और क्लोजिंग ले लेंगे हम कितना 1.6, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.6, एंट्रीज में अलग अलग करके आएगा और वहाँ पर प्रेजेंटेशन करते हुए इकट्ठी हो जाएगी। ट्रांसफ़र हुआ 1 मिलियन पर, 600 फेयर वैल्यू गेन, 1600 हमारी क्लोजिंग, ये आपकी आ गई IAS 2 से ट्रांसफ़र। नेक्स्ट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दीर रेंटेड आउट टू टेनेंट हैज नेवर बीन डिटरमिन्ड एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, इस टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर था और इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 2 मिलियन, बोथ एस्टिमेट्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। 2018 में बनाई थी, क्या किया था, कभी भी डिटरमिन नहीं हुई इसकी, तो इसका मतलब है किस पर रखें, कॉस्ट मॉडल पर मजबूरन रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा मजबूरन, रेजिडुअल वैल्यू क्या लेंगे डेप्रिसिएशन के लिए 0, क्या लेंगे 0 एज पर द स्टैंडर्ड पैरा 53, 0 ले लेंगे कहानी खलास, पढ़ा ना थोड़ी देर पहले हमने पैरा 53 पढ़ा है, रेजिडुअल वैल्यू दिखाई है आपको 0 लेनी है, तो हमने तो स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना है, और हमने क्या करना है 5 मिलियन कॉस्ट होगी, किधर गई डेट, कब खरीदा था 1 जनवरी 2018, हमारे साल का शुरू कौन सा होगा, हमारा ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 21, मीन्स 31 दिसंबर 20 तक पहुंचना है, ख़रीदा कब था हमने जनवरी 2018, मीन्स 18, 19, 20, 3 साल की डेप्रिसिएशन होगी मेरी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है जी 5 मिलियन, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है IAS 16 का मकूला, और अब ये किस पर मौजूद है कॉस्ट पर, तो 5 मिलियन होगी मेरी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी 5 - 0 डिवाइडेड बाय 10, ये 1 साल की आएगी कितनी 5 मिलियन तकसीम 10 5 लाख जरा 3 15 लाख 15 लाख हमारी क्या हो जाएगी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 5,000 मेरी कॉस्ट, क्लोजिंग भी कॉस्ट, ओपनिंग मेरी 1500, 1 साल की डेप्रिसिएशन 500, क्लोजिंग 2000 और ये नेट कैरिंग अमाउंट 3000। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सिर्फ सिर्फ इसके लिए, वैसे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें 2 तरह की बस प्रॉपर्टीज दिखानी है, एक वो जो फेयर वैल्यू पर चल रही है और एक वो जो फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं चल रही, हमें ये सारी की सारी लाजमी नहीं है हम दिखा रहे हो, इन सब का क्या होना चाहिए एक टोटल होना चाहिए, इसका अलहदा मैंशन करेंगे, इसको कौन सा ये वाला सॉरी, और बाकी सबको इकट्ठा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पेपर। अब यहाँ पर पेपर परस्पेक्टिव में आपको देगा ही नहीं ज़्यादा, ये तो मैंने बना ली है ना सारी की सारी, पता नहीं 2 या 3 होंगी, 2 ही होंगी चांसेस हैं, ठीक, वो फिर अगर करेगा ना तो बस 2 रख के कहानी ख़त्म कर देगा मोस्ट प्रोबेबली, या 3 हो जाएंगी कि 2 को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा, मसलन इसको और इसको इकट्ठा करना हो मैंने, ए इसको और इसको, इन दोनों को इकट्ठा करना हो तो ये 11460, ये 1000, 1540 जमा 600 कितना हो गया 2040, क्लोजिंग आ जाएगा 13000 जमा 1600 14600, नोट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो ये वर्किंग आपकी है आपकी आसानी के लिए, जेन्युइन है 2 कॉलम बस,
फेयर वैल्यू पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कॉस्ट के ऊपर आपने कौन सी मजबूरन रखी हुई है, बस बाकी डिटेल अलहदा से नोट के अंदर अगर कोई कहानी आपने बतानी है तो। नेक्स्ट है जी आपकी लाहौर की प्रॉपर्टी, 1 अगस्त 21 को हमने एवेक्टेड द टेनेंट किया फ्रॉम द बिल्डिंग इन लाहौर एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग इंस्टेड, मींस IAS 40 पर था, IAS 16 पर हम जा रहे हैं। ऑन दिस डे द फेयर वैल्यू वाज 20 मिलियन, इस डे के ऊपर क्या है जी 20 मिलियन हमारी है, बाकी की लाइफ 15 साल है और रेजिडुअल वैल्यू हमारी 8 मिलियन है। फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 15 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 20, मेरा ओपनिंग क्या हो जाएगा पिछले साल का क्लोजिंग 15। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिर्फ नोट है हमारा, हमारा ये 16 का नोट नहीं है। चुप करके क्या करेंगे 15 मिलियन ओपनिंग लेंगे, ट्रांसफर कितने पे करनी है 20 पर, डिफरेंस 5 मिलियन का आएगा, वो क्या होगा फेयर वैल्यू गेन, कहानी खत्म। हाँ अगर IAS 16 का भी नोट होता तो फिर हमें क्या करना था, ये डीम्ड कॉस्ट लेनी थी, ये रेजिडुअल वैल्यू लेनी थी, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, कब से लेके कब तक, अगस्त से लेके दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने की डेप्रिसिएशन फिर होनी थी। ठीक, IAS 16 का नोट पैरेलल अगर बनाना होता तो ट्रांसफर इन आनी थी 20 मिलियन, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी 20 - 8 / 15 × 5/12। अब तो हमारी बस चुप करके बड़ा आसान सा काम है, ओपनिंग 15, ट्रांसफर किया 20 पे, फिर वैल्यू गेन आया 5, पानी खलास बेटा, ट्रांसफर आउट है, रीक्लासिफिकेशन टू प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमने गेट आउट किया यहाँ से, तो नेगेटिव में लाएंगे तो गेट आउट होगा, बस वो तरतीब बेशक जो मर्जी रख ले आप, पहले फेयर वैल्यू गेन करना है या पहले ट्रांसफर रखनी है। अब ट्रांसफर इन होता है तो एडिशन लगती है, ट्रांसफर आउट है तो वो भी साथ ही लिख दिया, नीचे लिखने की बजाय आप नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं नेट तो नहीं करना, प्रेजेंटेशन में नेट किस बात का बेटा, प्रेजेंटेशन में तो अभी हमने डिस्क्लोजर पढ़े हैं, सारी चीज़ें बतानी है, ट्रांसफर इन क्या हो रहा है, ट्रांसफर आउट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जा रहा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आना, खरीदना, गेन लॉस एक ही कॉलम के अंदर अब आ जाओगे, वो नेट ऑफ कर लेंगे कि नेट गेन कितना है या नेट लॉस कितना है, वो किया जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, सबको इकट्ठा करके एक प्रेजेंटेशन देंगे आप। नेक्स्ट आए जी कराची पे पहुंचते हैं हम, कराची हमने ये लीज दी हुई थी ऑन 10 जनवरी 21, हमने लीज आउट द ओल्ड हेड ऑफिस मींस IAS 16 से IAS 40, द ओरिजिनल कॉस्ट 40 मिलियन थी, 2019 में एक्वायर किया था, ऑन विच डेट द टोटल यूजफुल लाइफ वाज 20 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू वाज निल, द फेयर वैल्यू वाज 33,531, क्लोजिंग आ गया, द फेयर वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 20 वाज 2 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट, ये रिलेशन दे दिया है, कैरिंग अमाउंट मालूम करोगे उससे 2 मिलियन काम पर जाना है, रिवेल्यूशन लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, अगर ये लिखा होता 2 मिलियन अप है ज्यादा है, रिवेल्यूशन सरप्लस आ जाना था और उसने स्टैंड करते रहना था, बिलो लिखा हुआ है मींस डाउन गया, प्रॉफिट एंड लॉस में कहानी खत्म हो गई। 40 मिलियन का क्या है एसेट है, लाइफ इसकी 20 साल थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप मालूम करेंगे, इसकी कैरिंग अमाउंट बनाएंगे और फिर कहानी चलेगी, पता नहीं यहाँ पे नहीं बनाई हुई मैंने, 40 मिलियन का था, इसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे कितने की, 40 - 0/20 × 2 कब था जी, 10 जनवरी को ट्रांसफ़र किया हमने, जनवरी 19 में ख़रीदा था, मींस 19 पूरा 20 पूरा, 2 साल पूरे, क्या जी 2 साल पूरे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 2004 4 होगी, 36 मिलियन होगी हमारी
कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू 2 मिलियन इससे कम यानी कि 34 मिलियन होगी, जिसके ऊपर क्या करना है हमें ट्रांसफ़र करना है 2 मिलियन लेस पर। ये ट्रांसफ़र इन हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ट्रांसफ़र इन। उसने कहा था 2 मिलियन क्या करना है, लेस करना है हमारी कैरिंग अमाउंट से। जब ट्रांसफ़र हुई है 31 दिसंबर 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को हुई ना, 10 जनवरी 2021 या 31 दिसंबर 2020 एक ही बात नहीं है क्यों बच्चों? 10 जनवरी 2021 या 31 दिसंबर 2020 एक ही बात है। हमारे साल के अंदर ये फेयर वैल्यू के ऊपर पहुंच चुका हुआ है 34 मिलियन, 34 मिलियन पर ट्रांसफ़र करेंगे और 33,500 क्लोजिंग होगा, 0.5 मिलियन मज़ीद कम हो जाएगा। नीचे जाएं, नीचे नीचे नीचे, ये यहाँ पे आ गया 34 पे ट्रांसफ़र, फेयर वैल्यू लॉस 33,500 की प्रेजेंटेशन। दिस इज़ हाउ ईजी दिस स्टैंडर्ड इज़। ट्रांसफ़र जैसी मर्जी दे दे, आपने जस्ट क्या करना है, रूल्स को सामने रखना है और चला देना कहानी, अनलेस एंड अंटिल के दोनों क्या चीज़ें हों आपके पास इकट्ठे दिए। आखिरी प्रॉपर्टी जी मुल्तान, हैविंग फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2020 ऑफ ₹9 मिलियन इज डिस्ट्रॉयड बाय एंड इट्स फेयर वैल्यू डिक्रीज बाय 4 मिलियन ओनली 30 नवंबर पर। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू डाउन हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है बाय फायर, कोई कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हुआ होगा, मुकम्मल नहीं हुई, तो उसकी फेयर वैल्यू पहले कितनी थी, 4 मिलियन से डिक्रीज हुई है, 31 दिसंबर 2020 पे 9 मिलियन थी, 4 मिलियन से डिक्रीज 5 मिलियन पे क्लोजिंग आ गई होगी, 9 मिलियन ओपनिंग, 4 मिलियन से डिक्रीज 5 मिलियन क्लोजिंग, एंड दैट्स द एंड ऑफ द गेम। क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ और डाटा दिया हुआ है, कहता है कि रेंटल अर्न हमने इतना किया है, तो जितना भी रेंटल अर्न किया है वो हमें डिस्क्लोजर के मुताबिक डिस्क्लोजर लिखना होगा। 8 मिलियन का हम रेंटल अर्न की कहानी लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे कि हमें इस फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू बतानी होती है, क्या करनी होती है, जो कॉस्ट मॉडल पर हो उसकी भी क्या करनी होती है, फेयर वैल्यू बतानी होती है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग दीज हैज़ नेवर बीन डिटरमिन्ड, इट्स टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इतने, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इतनी थी, इसकी रेंज ऑफ फेयर वैल्यू ये है। ये चंद डिस्क्लोजर हैं जो हमें बताने होते हैं। एक बिल्डिंग है जो ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई, दिस प्रॉपर्टी वाज सिचुएटेड इन चीचू की मलियां, अगर मज़ीद डिटेलें देनी है तो दे दें, नहीं डिटेलें देनी तो ना दें। रेंटल्स की होती इन्फॉर्मेशन, इसको बस उठा के बस नीचे जस्ट कॉपी पेस्ट कर, हाँ मुफ्त के मार्क्स, पूरा नोट नहीं भी बनाया हुआ, ये लिख दो कि मार्क्स मिल जाएगा 0.5 मार्क्स या 0.75 या 0.25 व्हाटसोएवर इट इज, मुफ्त के मार्क्स वही वाले डिस्क्लोजर जो पढ़े थे, अगर क्वेश्चन में मौजूद है उठाएंगे, फिट इन कर देंगे अपने आंसर स्क्रिप्ट में और मार्क्स मिल जाएंगे, मुफ्त के मार्क्स। चलें जी, मज़ीद कहानियाँ जो हैं आप ख़ुद ही देख लें तो अच्छी बात है, और इतना टाइम नहीं है कि हम इस वक्त मज़ीद डिटेल में जा सकें। आपके लिए चंद पास पेपर ज़रूर मैंने कॉपी कर दिए हुए हैं ताकि आप इनको देख लें। हाँ जी, वो तो ऑलरेडी शेयर्ड है, हमारी लिंक शेयर्ड है, उसके अंदर आ जाएगा। चलें जी, क्लोज करें जी बेटा, अगली वीडियो ऑन करते हैं जी। IAS 16 दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक ज़्यादातर नोट आता है या एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। नोट के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, हमारे पास एडिशन है, हमारे पास डिस्पोजल है, हमारे पास एक्सचेंज है, हमारे पास चेंज इन एस्टीमेट है, और रिवॉल्यूशन है, फिर रिवॉल्यूशन के अंदर डिस्पोजल है, फिर आपके पास कंपोनेंट ऑफ एसेट्स हैं। ये सारे की सारी वैरायटी हमारी क्या है, IAS 16 के अंदर ही फाल करती है, और एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी टेस्ट कर सके, वो कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी दो तीन चीज़ें मिक्स करके, कभी डिस्पोजल साथ ही दे देगा, साथ आपको दे देगा चेंज इन एस्टीमेट दे देगा,
कभी सिर्फ चेंज इन एस्टीमेट और रिवॉल्यूशन के ऊपर खेलेगा। चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू में अप्लाई होती है, चाहे हमारे पास ईयर एंड की डेट दी हो। एज पर IAS 8 करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर के ऊपर अप्लाई करनी होती है। तो जब करंट ईयर की बात आती है तो इट मींस साल के शुरू में, साल के शुरू में। डेट मेंशन भी कर दी है, इस डेट से ऑनवर्ड है। डेट मेंशन ऑनवर्ड की कहीं पर बात नहीं आती। एस्टीमेट चेंज में ऑनवर्ड की बात नहीं आती। एस्टीमेट चेंज के अंदर डेट दी जाती है, ऑन 31 दिसंबर हमने रेजिडुअल वैल्यू चेंज करने का सोचा, हमने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने का सोचा, हमने लाइफ चेंज करने का सोचा। लाइफ चेंज है तो फिर साल के शुरू से अप्लाई होगा। रेजिडुअल वैल्यू चेंज है, साल के शुरू से अप्लाई होगा। डेट क्या दिया है? 31 दिसंबर। डन, साल के शुरू से अप्लाई करना है। दो पास पेपर्स हैं, लाजमी तौर पे देख लें। एक है पियानो लिमिटेड के नाम से, एक है टसुकी लिमिटेड के नाम से, TSUKI या सुकी बोला जा सकता है अगर चाइनीज लैंग्वेज में बोला जाए तो सुकी। हाँ, वो रिसेंट अटैम्प्ट में 2-3 अटैम्प्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। नाम मुझे याद हो गए हैं और किसी क्वेश्चन के नाम याद नहीं हुए, इन दो के नाम याद हो गए, पियानो और सुकी। हाँ, ले जनाब, आपका नोट बनता है, नोट का फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट टॉप पर लिखनी होती है आपको। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में आपकी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट आती है, ये प्रोफेशनल वर्ड है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर इन, कैंसिलेशन या एलिमिनेशन, हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री। रिवैल्यूएशन के अंदर आपको दो लाइंस प्रेजेंट करनी है। भाई परेशान हो गया भाई। क्या? भाई परेशान हो गया था, हवाई एंट्री। हवाई एंट्री, अच्छा ठीक है, वो हमारी क्लास की एक लैंग्वेज है हवाई एंट्री। ठीक है, तो हमारी जो वर्किंग बनाई जाती है उसके अंदर सारी एंट्रीज नज़र आती हैं, बोली जाती हैं, सिवाय इस एंट्री के जगह ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र नहीं आती, इसलिए ये हवाई एंट्री है। ठीक है जी, क्या आपकी वर्किंग में मर्ज होती है? हाँ, वर्किंग में मौजूद होती है लेकिन उसको निकालना होता है वहाँ से, तो वो हवाओं में नज़र आती है, बाकी सारी लाइन आइटम्स की एंट्रीज सामने सामने होती हैं। ये दो लाइन्स आप बनाएंगे तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन का अपवर्ड, रिवॉल्यूशन और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितनी जा रही है, दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। और नोट के अंदर हमें कहीं पे जाके ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर इतनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की रिवर्स हुई है या चार्ज हुई है, जो कि हमें नोट देना पड़ता है। तो एग्जामिनर बड़ा अच्छा है हमारा, वो इसको ऐसे प्रेजेंट कर देता है। एक जमाना था मैं भी एक ही लाइन प्रेजेंट किया करता था, मैंने ऑब्जर्व किया यार एग्जामिनर ऐसे कर रहा है और उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि जी हमारा एक नोट होता है, वो हमें प्रेजेंट करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना रिवर्स हो गया। तो वो एक ही जगह पे प्रेजेंट होने से वो नोट की भी बात आ जाती है, वो प्रेजेंट भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो वर्किंग से ही हम उठाते हैं ये दोनों चीज़ें, अलग अलग प्रेजेंट कर देते हैं। डिस्पोजल अगली चीज़ आ जाएगी, क्लोजिंग बन जाएगा। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ओपनिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ट्रांसफर या कैंसिलेशन या एलिमिनेशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ये पूरा हमारा क्या आ गया, नोट आ गया। इसके बाद हमें देनी होती है नेट कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग, उसके बाद देना होता है नेट कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, फिर मेजरमेंट बेसिस, लाइफ, डेप्रिसिएशन मैथड। इसके बाद ही अगली लाइन के अंदर, नेक्स्ट लाइन के अंदर आप रिवैल्यूएशन के नोट दे दें, कौन कौन सा, रिवैल्यूएशन का डेट। ये दफ़ा चेंज आई है, मैं चेंज लिख नहीं पाया जल्दी में, याद नहीं रहा मुझे कि मैं ये लंबे लंबे नोट ना दूं, इन 2-3 नोट्स की जगह पर क्या करेंगे हम, ये 2-3 लाइंस बस लिखेंगे। नंबर 1 रिवैल्यूएशन की डेट, नंबर 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर नेम, जी जैसे ये वाली लाइंस आ रही हैं इसी के आगे एक्सटेंशन चल रही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखा करते थे, एग्जामिनर भी इसी तरीके से लिखा करता था, लास्ट इवेल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फलाना टिमकाना ये वो,
कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन कॉस्ट मॉडल बीन यूज्ड इंस्टेड, या फिर हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट वुड हैव बीन दिस फलाना। ये लिखा जाता था लंबा सा नोट इंग्लिश के अंदर। अब हमारी स्टडी टैक्स के अंदर उसने क्या किया है, न्यू स्टडी टैक्स के अंदर उसने बहुत रिलैक्स कर दिया। उसने किया है चुप करके ये तीन लाइंस लिख दो, जिस कॉलम में रिवैल्यूएशन मॉडल आ रहा है उसमें ये तीन लाइंस प्रेजेंट कर दो। यहां पर ये वाली रिक्वायरमेंट है डेट की, किस तारीख को हुई है तो रिवैल्यूएशन डेट आ गई। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम बताना होता था हमें, कौन सा रिवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नेम है वो भी आ गया यहां पे। फिर हमें बताना होता था कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल, तो अगली एक पॉइंट लिख देंगे कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल के ऊपर होता तो हमारी क्या कैरिंग अमाउंट होती, कहानी खत्म। ये तीन चीजें प्रेजेंट करनी है स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये तीन चीजों का प्रेजेंट होना जरूरी है, इंग्लिश लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये तीन लाइंस लिखेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे, ठीक, एज पर हमारी स्टडी टैक्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। क्या क्या रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया। अगली चीज एक है डिस्पोजल का नोट, क्या जी ये डिस्पोजल का नोट हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या कुछ देना है इसमें, कॉस्ट दे दें, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दे दें, कैरिंग अमाउंट असल चीज है, सेल प्रोसीड है, गेन लॉस है, मोड ऑफ डिस्पोजल है, पर्टिकुलर ऑफ एसेट है, लेकिन लेकिन हमारे एक पास पेपर है डिस्पोजल के, आबिद लिमिटेड के नाम से मौजूद है पास पेपर। इसके अलावा और भी पास पेपर हैं जिसमें डिस्पोजल हैं, ठीक। हिस्टोरिकली जब आबिद लिमिटेड आया FAR 2 के लेवल पर उसमें भी ये नोट मौजूद था, लेकिन एग्जामिनर ने हमें बड़ा आसान कर दिया, उसने ये नोट स्टडी टैक्स में रिमूव्ड है। स्टडी टैक्स में थ्रू आउट नोट नहीं है, ये मैंने बुक में रखा है, अपनी बुक में रखा है, प्रेजेंट किया है, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद मैंने नॉर्मली ये बता दिया कि जनाब स्टडी टैक्स में नहीं है, नॉलेज के लिए रखें, अगले लेवल पे काम आएगा, अगले लेवल पर काम आएगा, FAR 2 के लेवल पे काम आएगा, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन FAR 1 में देने की जरूरत निश्चिता जरूरत नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं हुआ। डिस्पोजल हो भी जाएगी तो जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, नीचे इंफॉर्मेशन बता दी कि कंपनीज एक्ट के तहत कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये चार पांच चीज़ें चाहिए हमें कंपनीज एक्ट के तहत, और मैंने बुक में भी नोट दे दिया। बट आई के स्टडी टेक्स्ट 2023 में जो आई है ये नहीं दिया हुआ, लिहाजा हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा भी हुआ है तो इस नोट को देने की जरूरत पेपर में नहीं है, डिस्पोजल भी आ जाएगा, क्यों स्टडी टेक्स में से आउट है। इट मींस एक क्वेश्चन है जो पास में हिस्ट्री में आ चुका हुआ है उसके सॉल्यूशन में भी मौजूद है उसके, और स्टडी टेक्स में नहीं रखा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है वो इसको टेस्ट करने के मूड में नहीं। रीजन क्या है, रीजन भी मैं बताता हूं, कंपनीज एक्ट हमारे लेवल पर पड़ा हुआ नहीं है, 2017 कंपनीज एक्ट, और ये किसकी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि डिस्पोजल का ये नोट बने। वो स्टूडेंट जो FAR 2 पढ़ रहे हैं लाजमी तौर पे जरूरत है, जो FAR 2 नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ FAR 1 दे रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, R1 के लेवल पर नहीं जरूरत है, उनको R2 के लेवल पर जरूरत है। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है असल में, इसलिए उसके लिए बताया मैंने कि जो R1 भी दे रहा है और R2 भी दे रहा है, तो उसको बता रहा हूँ भाई R2 के लेवल पर जरूरत है तुझे डिस्क्लोजर के लिए, R1 के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जिस बुक में मौजूद हैं, पुरानी बुक्स में मौजूद हैं, बहुत सारी बुक्स में मौजूद हैं, ठीक, इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, मेरी बुक के अंदर भी मौजूद है, रखा हुआ है मैंने, ठीक, लेकिन मैंने साथ अपनी हर बुक के जहां जहां पे डिस्पोजल का नोट दिया है वहां पे मैंने नीचे
नोट बनाकर दे दिया भाई, स्टडी टेस्ट में नहीं है, मैंने नॉलेज पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, आगे अगले लेवल पर काम आ जाएगा। ठीक, तो हमें इस लेवल पर आके पेपर के नज़दीक आके इन चीज़ों को क्या करना चाहिए भाईजन? तू तो साइड पे हो, खलास नहीं देना। कंट्रोल एफ लगाएं स्टडी टेस्ट के ऊपर, डिस्पोजल लिखें, कहीं पर आ जाए मैं जिम्मेदार। मैं कंट्रोल एफ लगा चुका हूँ, पूरी स्टडी टेस्ट देख चुका हूँ, नहीं मिला। बड़े वसूख से बोल रहा हूँ, ठीक है, बड़े वसूख से बोल रहा हूँ कि उसने नहीं दिया। आबिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैं अटेम्प्ट बता दूंगा, वहां पर जाएं अटेम्प्ट देखें, उसके सॉल्यूशन में मिलेगा इंशाल्लाह। स्टडी टेस्ट में, हमारी स्टडी टेस्ट में नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसने ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकली पास्ट पेपर में नहीं आंसर में दी, ली हुई हैं, अभी आता हूँ उसके ऊपर। अगला, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। स्टडी टेक्स्ट में हर क्वेश्चन के अंदर उसने उठा के डाल दिया, हिस्टोरिकली पास पेपर के सॉल्यूशन में नहीं आ रहा था, उस वक्त लिफ्ट नहीं थी, हर सॉल्यूशन के अंदर उसने उठा के क्या किया, ये वाला नोट बना दिया। मतलब क्या हुआ, ये लाजमी हो गया, मतलब क्या हुआ, ये लाजमी है नोट, बनाना ही बनाना है। कहां से बनना है, हमारी एक ही वर्किंग बनती है, उसी से ही हम बना देंगे। वर्किंग के अंदर हमारा ये लाजमी आंसर होता है रिवीजन सरप्लस, उसमें ओपनिंग देखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर एडिट देखेंगे, एडजस्टेड वर्स देखेंगे, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग देखेंगे, ड्यू टू डिस्पोजल दे देंगे अगर कोई डिस्पोजल हो जाती है, मैंने लिखा हुआ है वैसे, ड्यू टू डिस्पोजल भी लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल भी लिखा हुआ है, एक ही एंट्री है, क्लोजिंग लाजमी तौर पे मूवमेंट देनी देनी है, डन। अच्छा, आगे मूवमेंट इन CWIP, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, CWIP किसी किसी क्वेश्चन में आना है, जिस जिसमें IS-23 होगा उस क्वेश्चन में आ रहा होगा, लेकिन उसमें भी इंक्रीज होता है, क्लोज हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग द ईयर ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, वो फिर मूवमेंट बताई नहीं जाती। अगली चीज, स्टैंडर्ड ने हमें एक रिक्वायरमेंट कही है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंडिचर बताओ कितने हुए हैं CWIP पे, ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, अगर चल रहा है तो ये लाजमी तौर पर प्रेजेंट होना चाहिए, पूरा नोट दें या ना दें। एक्सपेंडिचर के अंदर ही बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी आ जाएगी, और कुछ दें या ना दें, ये सब ये वाला दो लाइंस जो है ना ये देनी है। कहां पर लिखा हुआ है कि ये दो लाइंस एक्सपेंडिचर, हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है IAS 16 में, ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे जाएंगे हम कहेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाजिर हो, नहीं इधर नहीं आना, हमने इस पे आते हैं, हाँ IS-23, हाँ 2023 में ज़रा सा है, मैंने हाईलाइट ये किया हुआ है, लें जी किधर गया, यहाँ पे थे हम, ये आ गया जी IS-16। सबसे एंड पे डिस्क्लोजर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, सबसे एंड पे डिस्क्लोजर होते हैं, ये आगे डिस्क्लोजर्स, ये मेन नोट है, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, नाम कभी भूल जाते हो ना, मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, ये वाला लफ्ज मेजरमेंट बेसिस, नाम भूल जाता हूँ यार क्या नाम था, पेपर प्रेशर के अंदर लाजमी तौर पर अक्सर भूल जाता है। स्टैंडर्ड खोलो, हाजिर, बजाय इसके कि दो मिनट लगाओ सोचने पे, खोलो, हाजिर है, नाम बोल रहे हो ना, किस बात की टेंशन है, आ गया ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, रिकंसीलेशन, ये वो नीचे आए, मैंने जो दिखाना है वो दिखा देता हूं आपको, किधर गया
नहीं नीचे नहीं है, यहीं पे है एक्सपेंडिचर। बी पार्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो डिस्क्लोज, शैल का मतलब होता है लाजमी करना है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सी डब्ल्यू आई पी का एक्सपेंडिचर इनकर कितने हुए, इस के तहत लाजमी क्या बनता है, सी डब्ल्यू आई पी का नोट बनता है, और उसके अंदर कम अज कम एक्सपेंडिचर बनते हैं जिसमें आई एस 23 क्या होगा शामिल होगा, वो एक्सपेंडिचर है। ट्रांसफर वगैरह की कहानी छोड़ दें तो आप नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इतने एक्सपेंडिचर हुए हैं हमारे ड्यूरिंग द ईयर, बस इतनी सी कहानी, खाली एक छोटी सी लाइन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट, कहानी खत्म। ठीक, सारा ना दें लेकिन कम अज कम इतना तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर की मूवमेंट सारी बेशक ना हो, क्या हो एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर में एक और कहानी आती है बच्चों, वो आती है ये वाली कि अगर कोई आपने एडवांस दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जिसको आपने फ्यूचर में परचेज करना है, ये जेन्युइनली फाल करता है, प्रैक्टिकली फाल किया जाता है, इसे कंबाइन किया जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। क्यों, उसकी रीजन ये है कि आपने जो एडवांस दिया है ना नॉन करंट एसेट के लिए दिया है। अगर हम एडवांस दे रहे होंगे सप्लायर्स को फॉर बाइंग परचेजिंग, करंट एसेट्स में फाल करेगी। अगर आप नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एडवांस दे रहे हैं तो ये एक हिसाब से अंडर प्रोसेस हो गया, आपने एडवांस दिया है किसी चीज के लिए, अब उसके अगेंस्ट क्या आनी है चीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आना है। तो अब इसका एडवांस अगर आप करंट एसेट्स के अंदर लिख देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, लाइक विद लाइक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है कि एक नॉन करंट एसेट से रिलेटेड क्या चीज दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं तो आप उसकी प्रेजेंटेशन कहां पे कर दें, करंट एसेट्स में कर दें, डन। तो इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है कहां पर, यहां पे, एज सच टेस्टेड नहीं है, एज सच टेस्टेड नहीं है, किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। चेंज इन एस्टीमेट का नोट, चेंज इन एस्टीमेट का नोट एज पर आईएस 16 अक्सर चेंज इन एस्टीमेट होता है, जनरली चेंज इन एस्टीमेट होता है, तो चेंज इन एस्टीमेट के नोट के मुताबिक आईएस 8 भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक, अगर वो पूछ ले चेंज इन एस्टीमेट का नोट लिखो तब लिख दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। आईएस 16 के ही रिक्वायरमेंट में अगर दे दे चेंज इन एस्टीमेट का नोट दे दो तब लिख दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। पीपी का नोट रिक्वायर्ड किया है तो छोड़ दे, इतना टाइम नहीं है फिर हमारे पास, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, छोड़ दे। जी जी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का वो करना पड़ेगा एज पर स्टैंडर्ड, एक लाइन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सर अगर सवाल में मौजूद हुआ तो तब आप लिख देंगे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, कम अज कम रिक्वायरमेंट में बताया नहीं, रिक्वायरमेंट में नहीं बताएगा, उसका नहीं बताएगा, बताएगा तो इसका जरूर बताएगा, एस्टीमेट चेंज करो, एस्टीमेट चेंज होता है हमारे क्वेश्चन में अक्सर होता है लेकिन आंसर में नजर नहीं आता, लेकिन हमारे कोर्स का हिस्सा बन चुका हुआ है चेंज इन एस्टीमेट का नोट, आईएस 16 के साथ क्लब होकर आ सकता है, आराम से आ सकता है क्योंकि एस्टीमेट चेंज है हमारे कोर्स का हिस्सा है, आईएस 8 भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, आईएस 16 भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, और आईएस 16 के अंदर ही एस्टीमेट चेंज दिया होता है और कहीं पे नहीं देता है सच, ऐसे ही है ना, या आईएस 8 के अंदर दे देगा तो आईएस 8 में दे देगा तो खाम खा का बोझ डालेगा, अपने ऊपर बोझ डाल देगा। ठीक, उसमें एरर चांसेस हैं ज्यादा या पॉलिसी के चांसेस हैं, तो यहां पर आएगा क्या देना है, कुछ भी नहीं देना, आपने दो चीजें बतानी है, एक करंट ईयर के ऊपर इंपैक्ट क्या आया, एक फ्यूचर ईयर के ऊपर इंपैक्ट क्या आया, क्या करना है,
एक करंट ईयर के ऊपर इम्पैक्ट, एक फ्यूचर ईयर। कैसे मालूम होगा? मालूम ऐसे होगा बेटा जी, आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है, पहले आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, अब आपने कहा कि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चलूंगा, या आपने लाइफ चेंज कर ली, व्हाटएवर। एक है पुरानी डेप्रिसिएशन, एक है न्यू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पुरानी आ रही थी से 1500, नई आई 1200, डेप्रिसिएशन कम हुई ज़्यादा हुई जी? डेप्रिसिएशन कम हुई कितने से? 300 से कम होने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट 300 से बढ़ जाएगा। डन, ये कम ये ज्यादा, सेम इंपैक्ट रिवर्स कर देना है आपने। किस में? ये करंट ईयर का है, फ्यूचर ईयर का इंपैक्ट इसके ऑपोजिट कर देना है, बस इतनी सी कहानी है। अब इसकी साइंस क्या है मैं इस वक्त समझा नहीं सकता, टाइम इज शॉर्ट, ठीक है जी, बस इस हद तक। टाइम शॉर्ट होने की वजह से अदरवाइज पूरा कहानी समझा सकता हूँ कि जी किस वजह से है, क्यों है, क्या नहीं है, बस इतना काफ़ी है। करंट ईयर और फ्यूचर ईयर का डेप्रिसिएशन इंक्रीज डिक्रीज दे दो, प्रॉफिट का बता दो, बस टू लाइन आइटम्स। और जो सा कहानी हुई है वो बता दोगे कि ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज आई है और उसका इफेक्ट बता दो। नकल कहाँ से लगानी है? स्टैंडर्ड, वो भी आईएस 16 का ही, कहीं और दूसरे ने भाग जाएंगे, आईएस 16 के स्टैंडर्ड से नकल लगाएंगे, और नकल लगानी है हमने यहाँ से, मोटा मोटा सा दूर से नज़र आ रहा है, पैरा 76 है, क्या जी? पैरा 76 है, क्या कहता है? इन अकॉर्डेंस विद आईएस 8 एंटिटी डिस्क्लोजेस द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई, मेथड चेंज हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड हैज एन इफेक्ट इन द करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ इफेक्ट इन सबसीक्वेंट पीरियड्स, करंट ईयर फ्यूचर पीरियड्स। फॉर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट सच डिस्क्लोजर मे अराइज फ्रॉम चेंजेस इन एस्टीमेट विद रिस्पेक्ट टू रेजिडुअल वैल्यू से, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग की वजह से, यूजफुल लाइफ की वजह से, डेप्रिसिएशन मेथड की वजह से चेंज आ सकता है। अगर थ्रेटिकल आ जाएगा, पैरा 76 कॉपी पेस्टेड कहानी खत्म, क्योंकि थ्रेटिकल भी आ सकती है चीज़ें। एक्सप्लेन करो, सिचुएशन क्रिएट करें, इसकी चीज़ बताए, बताओ क्या डिस्क्लोज करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या कुछ बताना है। एक है पैरा, बस 76 पैरा, चेंज इन एस्टीमेट का गया, ये वाली कहानी भी खत्म हो गई। अगली कहानी, आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ दे दे, इन एडिशन टू दैट आपको दे सकता है कमिटमेंट, दे सकता है कोई रेस्ट्रिक्शन, दे सकता है कोई बोरिंग कॉस्ट की, दे सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दे सकता है गवर्नमेंट ग्रांट की कहानी, दे सकता है डायरेक्टली फ्रॉम दी क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? कॉपी पेस्टेड कहानी करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी कहानियाँ दे सकता है, वो भी स्टैंडर्ड में यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। ये रिवॉल्यूशन मॉडल की कहानी है, ये जनाब ये मेन नोट है, यहाँ पर शैल आल्सो डिस्क्लोज। कोई रेस्ट्रिक्शन है टाइटल के ऊपर, क्वेश्चन में बताया होगा रेस्ट्रिक्शन है, बतानी है, एज इट इज उठाएंगे पेस्ट कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज के तौर पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया होगा कि फलाने लोन लेने के लिए प्लेज करवाया है, उठा कर लिख देंगे। एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट CWIP, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स कोई की हुई है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ओपन करवाए हुए, LC ओपन करवाई हुई है, उसकी कमिटमेंट्स हैं। LC क्या है? इट इज़ अ कमिटमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ कमिटमेंट, कोई और कमिटमेंट बोली हुई है। चुप करके जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में उठाओ, कॉपी पेस्ट, नथिंग एल्स। मुफ्त के मार्क्स हैं, क्या है ये? मुफ्त के मार्क्स। अब इनको करने के लिए, ये वाली चंद चीजें करने के लिए, दो पास, दो स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स, एक है अब्बास लिमिटेड के नाम से, एक है गेम्स लिमिटेड के नाम से। ये दो एग्जांपल्स बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं,
क्या करें, ज़रूर करें, एटलीस्ट पढ़ें ज़रूर, मीन्स करें। क्या है लंबे लंबे से क्वेश्चन है, बहुत लंबे लंबे से क्वेश्चन है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता करके उसके कॉन्सेप्ट उठा के क्या कर रहा है वो दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, सारे इकट्ठे नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहा है वो। अब आती है कहानी बड़ी मज़ेदार जनाब। एक है अल्टरनेट नोट, एक हमने सीखा रूटीन में, एक है दूसरा नोट, तरीकाकार दूसरा। आपका जो ऊपर था ना नोट, ये था एसेट अकाउंट बन रहा था अपनी कॉस्ट पर, किसके ऊपर एसेट अकाउंट था अपनी कॉस्ट पर या रिवेल्ड अमाउंट पर, और उसके साथ एक नथी होके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट था, अलग अलग से प्रेजेंट हो रहे थे पूरे के पूरे अकाउंट। अब जरा सा एक मिनट में आपने मुझे एक टी अकाउंट बनवाना है कि अगर बन रहा हो एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बन रहा हो तो क्या क्या कुछ होगा, खुद बनवाएं। एसेट का एक ओपनिंग होगा, एक एडिशन होगी, ठीक है, एक डिस्पोजल होगी, बुक वैल्यू होगी, एक डेप्रिसिएशन होगी, और क्या होगा, डिस्पोजल हो सकती है, वो आ गई है, ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट वो तो है ही ना, वो तो जैसे मर्जी हो, चाहे कॉस्ट मॉडल पे हो, चाहे वो रिवेल्यूशन मॉडल पर हो, चाहे वो आई एस 40 से आ जाए, जो मर्जी हो जाए वो सेम वाली वैल्यू आएगी। और एक क्या होगा, सी डी होगा। अब स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ओपनिंग से रिलेटेड ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताओ, और नेट कैरिंग अमाउंट भी बताओ। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से क्लोजिंग की भी ये तीनों चीज़ें बताओ, उसकी कॉस्ट भी बताओ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, और उसकी नेट कैरिंग अमाउंट बताओ। नेट कैरिंग किसी को नहीं कहेंगे, सीडी का सबर तो कर लेना यार, सबर तो कर ले, बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ आपको, जरा सबर कर लो। अब यही चीज़ें, चार पांच चीज़ें जो मैंने अभी बोली हैं वो हम इस नोट में भी बताते हैं। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग है, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर ये हमने नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग बता दी, नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग बता दी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक। ये हैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स बेटा, जानी ये वाली, ये वाला नोट क्या लिखता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड। रिकंसिलेशन में बताओ एडिशन, इंक्रीज और डिक्रीज, इंपेयरमेंट लॉसेस, रिवैल्यूशन के रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉसेस रिवर्स, डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें बताओ, ठीक है जी। एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह कोई आया, एफ ए आर टू के लेवल की कहानी, तो ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें अगर हम प्रेजेंट कर रहे होंगे एक दूसरे अंदाज में, तो वो ये अंदाज होगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग, ये तीन चीज़ें, ठीक। फिर आप आ जाएंगे एडिशन, डिस्पोजल होगी किसके ऊपर, बुक वैल्यू पर, किस पे होगी, बुक वैल्यू पर, डेप्रिसिएशन होगी, नेट कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी, सीडी आ जाएगा। फिर इस सीडी के दो हिस्से करके बताने हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग अमाउंट। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की, नहीं टाइम सेविंग की कहानी नहीं है, हमारी आदत है कौन से नोट की, वो वाले नोट की, नोट आ गया तो वही करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये वाला नोट बनाकर कहे गलत बना हुआ है, ठीक कर दो, क्या पॉसिबल है, गलत बना हुआ है ठीक कर दो, ऐसी हरकतें वो आर टू में कर रहा है,
गलत चीज़ बनाकर दे देता है, कहता सही करो। तो वो एग्जामिनर तुम्हारा वही है ना, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो क्या वो ये वाली हरकत सेम वही वाली हरकत क्या कर सकता है, R1 में भी लेकर आ सकता है, गलत बनाकर दे दे। और इस नोट से हम बिल्कुल फैमिलियर ही ना हो, हमें पता ही ना हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या कुछ लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, तो हम बिल्कुल कोरे होंगे। हम क्या होंगे, बिल्कुल कोरे होंगे, और हमें पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज आ गई। तो इसलिए बता रहा हूं स्टैंडर्ड वाली चीजें ही हैं। एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पर लिख दो तो वही चीजें हैं, और वो हम रूटीन में करते रहते हैं। सिर्फ सिर्फ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ओपनिंग के 3 हिस्से करके बताओ, क्लोजिंग के 3 हिस्से करके बताओ, बाकी सारी की सारी वही रिक्वायरमेंट। तो ये सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए है कि पेपर में अगर आ जाए तो आप कोरे ना हो, जीरो पे ना हो। और एग्जामिनर हमें सोल्यूशन इस पैटर्न पे देता है, आप इसी पैटर्न पे बना दें तो भी चलेगा, क्या कर दें इसी पैटर्न पे बना दें चलेगा, क्योंकि नोट है जैसे मर्जी बता दो, ठीक है। हमें आदत वो वाली है, हमें एसेट अकाउंट कॉस्ट पर बनाने की आदत है, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की आदत है, तो हम बनाएंगे वही अगर आ जाएगा तो। लेकिन अगर गलत आ गया तो उसे ठीक करने के काबिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना समझाओ कि ये क्या है, बुक वैल्यू वाली प्रेजेंटेशन है। बेटा जी रिक्वायरमेंट ये होगी कि ये फलाना नोट हमने बनाया हुआ है, जरा देखें तो इसमें क्या गलतियां हैं, तो ठीक कर दें। उसने हरकतें ये की हो कि जनाब डिस्पोजल लिख दी हो, कौन से वाली कॉस्ट वाली, यहाँ पे आनी कौन सी हो, बुक वाली, नीचे जाके बताइयो, ठीक। उसको आदत तो दूसरी बनाने की, अब उसको समझ ना लग रही हो यार रिवॉल्यूशन का क्या करना है। अब यहां पर उसने दरमियान में ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री बनाने की कोशिश की हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, उसे समझ ना लगे क्या क्या करूं, एक दफा ऐड कर दे एक दफा लेस कर दे यहीं पर, तो यहां पर तो आनी नहीं है। बुक वैल्यू के ऊपर जब एसेट होगा तो वो तो पहले ही बुक वैल्यू पर है, उसमें तो बस अप या डाउन आना है, एसेट डेबिट रिवर्सिंग सरप्लस क्रेडिट कहानी खत्म, कोई हवाई एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं। अगर वो एक दफा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड भी कर देता है, लेस कर देता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस फॉर्मेट पे। अगर आप आए क्या आपको सारा चीजें तो दिखा दी है मैंने, नोट में दिखा तो दिया मैंने कि कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, सीए समझा दिया कि भाई ये बुक वैल्यू है, और क्या चाहते हो, इससे आगे तो मैं नहीं कुछ कर सकता ना, ठीक है जी। हाँ एक मिनट, अब टाइम बेटा नहीं है, आपको क्या दे दूंगा, PDF दे दूंगा, हैं लास्ट लाइन है, अच्छा बेटा जी नेट कैरिंग अमाउंट की 2 लाइनें, ठीक है। तो मेरे जहन में ये आया था क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली ये दोनों चीज़ें अब बताई हुई हैं, उसने भी इसी तरह से नोट बताया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो मेरे जहन में फौरी तौर पे बात खट गई थी यार R2 में ये वाली हरकतें चल रही हैं, ये ना हो कि R1 में ये वाली हरकत कोई कर दे, वो क्या हम उससे तो फैमिलियर हैं, वो उठा के दे दे ये वाला, जैसे मर्जी, इट्स अप टू यू, ठीक करके बनाना है ये तो। अब एग्जामिनर कैसे देता है कैसे नहीं देता मुझे नहीं पता, मेरा तो अपनी एक माइंड सेट में आता है कि यार ये ना हो जाए, मैंने तो उसकी एहतियाती तौर पर आपको करवा रहा हूं। अच्छा जी, ये कुछ फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं, शॉर्टकट फार्मूलाज हैं आपके लिए, कुछ रिवर्स बैक की एग्जाम्पल्स हैं, आते हैं हम एक्सचेंज के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ एसेट। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं रूल कौन सा लगना है, तो मोटी मोटी सी बात है, हमेशा कौन सा रूल लगना है, क्यों जी पता जी, 5 रूल्स हैं, 5 में से या 3 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं,
हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को बेस बनाना है। क्या करना है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को बेस बनाना है। अगर मौजूद है तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेंगे, उसमें या कैश दे रहे होंगे या कैश ले रहे होंगे। अगर अच्छे वाला एसेट दे के लो वैल्यू का एसेट ले रहे हैं तो कैश आ रहा होगा। सिटी दे के मैरान ले रहे हैं तो क्या होगा? कैश आ रहा होगा। और अगर मैरान दे के सिटी ले रहे हैं तो कैश जा रहा होगा। ठीक है जी। ट्रेड इन अलाउंस कह सकते हैं उसको, बोला जा सकता है। ठीक। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस कैश पेड, ये नॉन की बात नहीं है, ये बात है कह लें हम बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबली मेजर्ड। क्या लफ्ज यूज करेंगे? मोर रिलायबली मेजर्ड। नोट की जगह, नॉन की जगह पर आप ये वाला वर्ड यूज करें, मोर रिलायबली मेजर्ड। ओल्ड एसेट बेस है, आपको दोनों एसेट्स की पता है तो भी ओल्ड एसेट, आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने एसेट की फेयर वैल्यू पता है तो भी ओल्ड एसेट, न्यू की भी पता है ओल्ड की भी पता है, न्यू भी रिलायबली मेजर्ड है ओल्ड भी रिलायबली मेजर्ड है। क्या होगा जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बेस होगा प्लस कैश पेड या फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस कैश रिसीव। तो ये दोनों रूल्स हो गए ए की। अगली चीज स्टैंडर्ड कहता है जनाब लेना क्या है? फेयर वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अब ओल्ड की पता नहीं है, नई की पता है, तो कोई ना कोई तो फेयर वैल्यू पता है ना। तो फिर भाग जाओगे, ओल्ड नहीं पता फिर मजबूरन में भाग जाओगे किसके ऊपर? न्यू। सिर्फ न्यू की मोर रिलायबली मेजर्ड है, नॉन की नहीं मैं बात कर रहा, मोर रिलायबली मेजर्ड की बात कर रहा हूं। इस बेसिस में क्या ले लोगे? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट ले लोगे। आपको दोनों की फेयर वैल्यू बताई हुई है लेकिन किसी की भी मोर लाइवली मेजर नहीं है, नाइदर एसेट मोर रिलायबली मेजर्ड। अब क्या करेंगे? अब आपके नहीं, कैश तो इन्वॉल्व होगा, अब आपके पास फेयर वैल्यू है ही नहीं, आप क्या करेंगे? मजबूरन जो सी चीज मौजूद है वो है कैरिंग अमाउंट। मजबूरन ये कहेंगे कैरिंग अमाउंट है, उसमें बस कैश प्लस कर देंगे, कैश माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू फिर यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? प्लस कैश पेड या बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस कैश रिसीव्ड। एक अक्सर क्वेश्चन में पास में ट्रेड इन अलाउंस का वर्ड यूज हुआ होता है, तो ट्रेड इन अलाउंस असल में आपका फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है। क्या जी? ट्रेड इन अलाउंस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है, जो वैल्यू लगी पुराने एसेट को वो फेयर वैल्यू है, जितने में डील हो रही है वो क्या है? फेयर वैल्यू है। तो इस वजह से ये वाला रूल ये हो गया। अब अक्सर बच्चे होते हैं परेशान, ये भी बच्चा है परेशान, वो भी है परेशान, मैं भी हूं परेशान, हैं पुत्र जी सिर्फ सिर्फ दो जगह पे यार सारे रूल देते हैं स्टैंडर्ड दे। कितनी जगहों पे? सिर्फ दो जगहों पे। एक है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, पहली लाइन, दूसरी लाइन कॉस्ट की डेफिनेशन। क्या कह रहा है जी कॉस्ट की डेफिनेशन में? कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और दी फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन। अदर कंसीडरेशन गिवन का मतलब नहीं, अदर कंसीडरेशन कोई दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। ठीक है जी। ये क्या रूल हो गया? कॉस्ट का, कॉस्ट ही मालूम कर रहे हैं ना नए एसेट की, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है? कैश या कैश इक्विवेलेंट पे कर रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट में क्या बोर्ड पे कर दिया, कोई इस तरीके की और चीज पे कर दी, बैंक के जरिए पेमेंट कर दी, और यहां पे और लिखा हुआ है हम दो चीजें पे कर रहे होंगे तो दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी।
ये भी तो हो सकता है ना, हमने पास एक एसेट दिया हो, कोई कैश पे ना किया हो, इज इट पॉसिबल? टोटल बार्टर सिस्टम, फिर क्या हो जाएगी? कोई कैश नहीं दिया तो फिर वैल्यू फोल्ड एसेट हो जाएगा, सिर्फ चीज एक्सचेंज की है। एक मैरान थी, उसके साथ दूसरी मैरान कर ली, एक मैरान थी वो दे के कल्टस ले ली, मैरान नई थी कल्टस पुरानी थी, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। सेम वैल्यू की हो सकती हैं दोनों की, फेयर वैल्यू ठीक है, एक्सचेंज हो गई, कोई लेना देना नहीं हुआ, जस्ट चेंज हुई है, तो दैट इज पॉसिबल। तो ये रूल दिया हुआ है एक। अगला रूल दिया हुआ है हमें मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, हेडिंग है इसके अंदर, ये वाला पैरा है, क्या कहता है? बहुत ज्यादा गंद मच गया हुआ है, सारा गंद खत्म हो गया, एक्सचेंज को हाईलाइट कर सकते हैं कि एक्सचेंज हो रहा है, कर सकते हैं जी, क्या ये कर सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू के ऊपर होगा? पहला रूल क्या है? फेयर वैल्यू होनी चाहिए, अनलेस का मतलब पता है ना, अनलेस एंड अनटिल के ये वाला चीज ना हो, फेयर वैल्यू होगी तो फेयर वैल्यू लेंगे, अनलेस के ये वाला मामला हो जाए। कितने मामला दिए हुए हैं? एक ए और एक बी। पहला क्या है? लैक कमर्शियल सब्सटेंस,